भाई मिरर में देख रहे हो यार, बीच रोड में एकदम खड़ा करके ऐसे मिरर में देखे जा रहा है। लो भाई रिएक्शन अभी से ही मिलना शुरू। ओह माय गॉड, पुलिस 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 भाई। हेलो गाइस, मैं हूँ प्रियांशु, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस अभी जस्ट हम लोग आए हुए हैं यार बलियापुर राइड के लिए। तो यहाँ पे आज मार्केट रिएक्शन भाई, मार्केट कैप्चर करने वाले भाई, फुल तबाही मचाने वाले हैं। यहाँ का मार्केट रिएक्शन हमने कभी बनाया भी नहीं है, तो यहाँ पे फुल एक्सट्रीम भाई अभी रिएक्शन हमें मिलने वाले हैं। लेट्स गो भाई, आराम से यार। ट्रक वगैरह में देख रहे हो भाई, कोई भी इंडिकेशन नहीं है, कोई लाइट वगैरह नहीं है भाई। ऐसा सीन भी नहीं होना चाहिए यार, रात में तो इसके पीछे चलना एक मतलब क्या ही बोला जाए। रात के इसके पीछे चलना सिर्फ रिस्क से बड़ा कुछ नहीं है। ये देख लो पूरा मार्केट वाला एरिया, धीरे धीरे हम एंटर करने ही जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। लो भाई रिएक्शन अभी से ही मिलना शुरू। ओह माय गॉड, पुलिस 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 भाई। यहाँ सीन मत कर देना, देख रहे हो यार पूरा रुकवा कर चेकिंग हो आ रहा है भाई। अब आकाश और रमेश गया भाई। भाई मिरर में देख रहे हो यार, बीच रोड में एकदम खड़ा करके ऐसे मिरर में देखे जा रहा है। इतना ज्यादा रिएक्शन मत दे दो यार। मार्केट एंड, फिर हम लोग मार्केट के और आगे आ गए। स्मार्ट बाजार, चलो यार फिर से रेडी बाय। भाई बच्चे लोग देख रहे थे यार, रिएक्शन दे रहे थे। फर्स्ट टाइम राइड कर रहे हैं गाइस इस लोकेशन पे। लोकेशन तो अच्छा है पर इसमें डेड एंड भी काफी सारे हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स भी है। ओ भाई ये क्लोज कॉल था यार आकाश ब्रो, आराम से। ये पूरा खेत खलियान में आ चुके हैं यार हम लोग, पूरा खेत ही खेत भरा यार। ओ ब्रो ब्रो ब्रो, आई डोंट नो लीन। ओ भाई ये लोकेशन मस्त है यार, सच बता रहा यार। अच्छा हो यार कुछ थोड़ा सा हम आगे आ गए यार, क्या ही प्यारा सा लग रहा है यार ये लोकेशन।
क्या मस्त सा लोकेशन है गाइस। ये आई थिंक कोई छोटा सा एक गांव या बस्ती काइंड ऑफ एरिया है। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। वेट अ मिनट, देखते हैं यार कौन सा जगह है। एड्रेस तो कहीं पे लिखा नहीं है। दुगिया मोड़ करके कोई ऐसा जगह है भाई, पता नहीं, पढ़ने में मुझे प्रोनाउंस नहीं हो पाया होगा, आई डोंट नो। यू टर्न ले लेते ब्रो, आगे का रास्ता नहीं पता, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। हाँ, दुधिया मोड़, चल यहाँ से घूम लेते हैं। यू टर्न आया 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 भाई, मेरा वेट रेशियो का कारण ना, मेरा जो थोड़ा सा ये है मतलब कि मेरा टॉप एंड थोड़ा घट गया, मतलब मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है इस बाइक के अकॉर्डिंग, इसलिए यार इसमें टॉप एंड मैं अच्छा से नहीं लेके जा पाता हूँ, अचीव नहीं कर पाता हूँ। बाकी अगर कोई हल्का बंदा चलाएगा ना यार, तो इसको आराम से 180 तक लेके भाग सकता है। मार्केट रिएक्शन कैप्चर करते हुए भाई हम लोग निकल गए थे मार्केट से बाहर, पर फिर भी ठीक है यार, कहीं कहीं पे हम लोग रुक रहे ना, रिएक्शन काफ़ी अच्छा अच्छा मिल रहा है। ये देखो ओ भाई रमेश ब्रो कहाँ रह गया यार, काफ़ी पीछे है भाई। रुक जाओ यार, बहुत पीछे रह गया, आ गया, चलो ओ, 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 ओ अंकल जी, फिर से अंदर मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं और हम लोग रिटर्न हो रहे हैं टूवर्ड्स आवर होम। ओ भाई, बाइक चलाने से ज़्यादा रिएक्शन मिल जा रहा है यार अपने को ये देखो रिएक्शंस, सिर्फ रिएक्शंस ही रिएक्शंस। ये देखो भाई, पुलिस चौकी है, पर यहाँ पे हमें रोका नहीं गया भाई, इसका ही थोड़ा सा डर था, वाकई हम निकल चुके हैं वहाँ से। भाई तीनों हम लोग जहाँ से निकलते हैं ना यार, वहाँ पर से मतलब एक एक भाई साउंड का एक वेव पार होता होगा। यहाँ से देखो गाइस, चार्ज 44, बोकारो एयरपोर्ट 48 और पुरलिया 76 किलोमीटर्स सीधा। ये वाला धनबाद का रास्ता है गाइस, धनबाद वाला रूट है। ओहो भाई, स्पीड थोड़ा रिड्यूस करके करना पड़ता है, और आराम से आपको क्या करना है ना, 8000 आरपीएम 9000 आरपीएम तक जाना है और जस्ट रिलीज कर देना है।
उसको और कंटिन्यू करोगे ना तो और आगे भी जाएगी, पर अभी सिर्फ हम लोग पॉपिंग वगैरह सब सीख रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं होगा, बस हम लोग कल ही हमने स्टार्ट किया था और फिर अब देख लो यार, देखो फिर इसका भी स्टार्ट हो गया। चल भाई दिखा दे यार, तू भी दिखा ही दे। वेरी गुड। यहाँ का एम्बियंस वगैरह ना काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पे अगर आप आ रहे हो ना तो मतलब यहाँ का नेचर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको कैमरा में जस्टिस नहीं हो पा रहा होगा, बाकी पेड़ वेड़ के कलर वगैरह देखो, अभी सब नया गर्मी का मौसम है, ये सब आम का पेड़ है, देखो ये भी आम है, वो भाई साहब यहाँ पे तो लिटरली आम ही आम भरे पड़े हैं यार, सिर्फ आम का पेड़ है यार। देखो ये जो भी ग्रीन वाला आप देख रहे हो ना इस साइड में, ये 3-4 लगातार, ये आम है, ये आम है, ये आम है, ये नहीं बाकी ये भाई सभी आम के तो पेड़ है यार यहाँ पे लगता है। अगर वो भाई ये वाला पेड़ देखो यार, सबसे बड़ा पेड़ भाई आम का पेड़ यार, मैंने ये सब चीज़ तो नोटिस ही नहीं किया। तो यार चलो अब थोड़ा सीज़न और पार होने दो, आम तोड़ने के लिए आएंगे यार हम लोग किसी दिन यहाँ पे, और देखेंगे अभी तो किसी में आम वगैरह भी नहीं है और आम के फूल भी नहीं है। कोई कोई पेड़ होता है ना इसके यहाँ पे, मतलब कुछ अच्छा केयर नहीं करो तो उसमें आम वगैरह होते भी नहीं, और अभी ये सब पेड़ छोटे हैं तो कम से कम 9 साल पुराना पेड़ होता है ना तब उसके ऊपर आम के फल आते हैं। और फिर से भी हम कुसमा टाँड की तरफ पहुँचने वाले हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से ऑलमोस्ट वही 7-8 किलोमीटर होगा अब झरिया। तो चलो अब देखते हैं भाई, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ गाइस आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।